इस वक्त तस्वीर आप ग्वालियर से देख पा रहे हैं, जहां पर माधवी राजे सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया की माताजी, उनका निधन हो गया कल। कल सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली थी, एम्स में उनका इलाज चल रहा था और अब वे अंतिम सफर पर, अपनी अंतिम यात्रा पर। मुखाग्नि देते हुए उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। माधवी राजे सिंधिया, जो कि नेपाल राजघराने से जिनका नाता था और शादी हुई ग्वालियर राजघराने में, माधवराव सिंधिया की पत्नी, 70 साल की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। बीमार थीं और बीते 3 महीनों से उनकी स्थिति जो है वो बिगड़ती जा रही थी। आखिर के कुछ वक्त में तो उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा गया। अपनी मां को अंतिम विदाई दे रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया भीगी आंखों से। मुख्यमंत्री भी यहां पर मौजूद हैं, तमाम बीजेपी के लोग मौजूद हैं। पंच तत्व में विलीन हो गई माधवी राजे सिंधिया। माँ को प्रणाम करते हुए मन ही मन प्रणाम कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। और जो रीति रिवाज सिंधिया राजघराने की जो रीति रिवाज हैं, उन्हीं के तहत अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि पास ही में माधवराव सिंधिया का जब निधन हुआ था तो पास ही में उनका भी अंतिम संस्कार यहीं पर किया गया था। और उसके बाद यहाँ जब माधवी राजे सिंधिया नहीं रहीं तो उनके निधन के बाद यहाँ पर भी एक चबूतरा तैयार किया गया, वहाँ उनका ये अंतिम संस्कार किया गया। बड़ी संख्या में आम लोग, खास लोग सभी पहुँचे हुए हैं माधवी राजे सिंधिया को नमन करने के लिए। मुखाग्नि दी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो परंपरा है, जो जिन नियमों का पालन किया जाता है, उसी के तहत यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं राज घराने के अब वारिस वही हैं, तो उन्होंने मुखाग्नि दी और अंतिम सफ़र पर राजमाता ज्योतिरादित्य सिंधिया की माताजी भी निकल पड़ी हैं, पंचतत्व में विलीन हो गई हैं। 70 वर्ष की उनकी आयु थी और 3 महीने से उनका इलाज चल रहा था। तो सिंधिया परिवार के लिए बेहद दुखद ये क्षण है, क्योंकि परिवार की एक प्रकार से मुखिया अब इस दुनिया को अलविदा कह गई हैं और उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया गया। सीएम समेत बीजेपी के दिग्गज नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जो शाही परंपरा है उसी अनुसार उनका यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया। 3 महीने से बीमार चल रही थी, उनका उपचार चल रहा था और एम्स में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। जानकारी जो है उसके मुताबिक निमोनिया के साथ साथ सेप्सिस से भी वे पीड़ित थीं, उनका इलाज चल रहा था और बुधवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। करीब 9:30 बजे के आसपास उनका निधन हुआ। बीच में उनकी तबीयत जब बिगड़ी थी तब ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव प्रचार छोड़कर व्यस्त थे चुनाव में, लेकिन चुनाव प्रचार छोड़कर सीधे मां के पास गए, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अब अंतिम यात्रा पर राजमाता हैं, पंचतत्व में विलीन हो गई माधवी राजे सिंधिया।
9:30 बुधवार को उन्होंने अंतिम सांस ली थी। मां को नमन करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और जो परंपराएं हैं उसके अनुसार जो सिंधिया परिवार के जो पुजारी होते हैं वही उसी परंपरा के अनुसार यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया। और जो छत्री है, राज परिवार की जो छत्री है, वहीं पर पास ही में इसी जो ये चबूतरा जो तैयार किया गया, माधवी राजेश सिंधिया जहाँ पंचतत्व में विलीन हुई हैं उसके पास ही एक और पहले चबूतरा बनाया गया था। जब माधवराव सिंधिया का देहांत हुआ था उसके बाद इसी स्थान पर माधवी राजे सिंधिया का भी अंतिम संस्कार किया गया, पंचतत्व में वे विलीन हो गई। और आप देख सकते हैं कि राजनीतिक जगत से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम मंत्री मौजूद हैं, पूरी एक प्रकार से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की कैबिनेट मौजूद है, राजघराने के लोग मौजूद हैं, ग्वालियर के लोग मौजूद हैं नमन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, माधवी राजे को आखिरी विदाई देने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आईपीएल 2024 में आज पैट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद और शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होना है। मैच हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में होगा और इस बीच गुजरात की टीम अब टॉप फोर में जगह बनाने की रेस से बाहर हो गई है, लेकिन टीम सम्मान के खातिर जीत दर्ज करना चाहेगी। वहीं हैदराबाद की टीम आज जीत दर्ज कर प्लेऑफ में पहुंच सकती है। उधर चेन्नई और बेंगलुरु भी प्लेऑफ की रेस में हैं और अगर ऐसे में आज हैदराबाद की टीम हारी तो समझिए प्लेऑफ के रास्ते बंद हो सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं रिपोर्ट में देखिए। आईपीएल की जंग जारी, बेंगलुरु और चेन्नई की पूरी तैयारी, हैदराबाद के लिए राहें नहीं आसान, जारी है प्लेऑफ का रोमांच। आईपीएल प्लेऑफ की तारीख नजदीक है, रोमांच बढ़ता जा रहा है। प्लेऑफ के लिए दो जगह पक्की है और दो जगह के लिए जंग जारी है। आज इस जंग के मैदान में हैदराबाद का मुकाबला गुजरात से है। वैसे तो गुजरात की टीम बाहर हो चुकी है लेकिन आज वो हैदराबाद का खेल बिगाड़ सकती है। हैदराबाद के पास प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए दो मैच बचे हैं जिसमें आज एक मुकाबला गुजरात से है। एसआरएच के लिए मैच किसी जंग से कम नहीं होने वाला है क्योंकि आज अगर हारे तो राहें मुश्किल हो जाएंगी। प्लेऑफ की रेस से हैदराबाद कहीं दूर हो जाएगी, ऐसा क्यों कह रहे हैं आंकड़ों से समझिए। हैदराबाद के पास 14 पॉइंट्स, एसआरएच के पास बाकी बचे दो मैच। आज गुजरात से हारने पर नुकसान, आखिरी मैच में चाहिए बेहतर नेट रन रेट से जीत। हैदराबाद दोनों मैच में हार से बाहर, बेंगलुरु आखिरी मैच जीत कर प्लेऑफ में। अब ऐसे में आज हैदराबाद को किसी भी हाल में जीत चाहिए, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? हैदराबाद और गुजरात के बीच हेड टू हेड आंकड़े क्या कहते हैं समझिए। हेड टू हेड में कौन आगे? अभी आंकड़े हैदराबाद को परेशान करेंगी। हालांकि इस समय हैदराबाद की टीम पूरे रंग में है, उनके बल्लेबाजों के बल्ले से रन आग की तरह बरस रहे हैं। टीम के दो बल्लेबाजों ने तो 400 से ज्यादा रन बनाए हैं, इनमें ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा शामिल हैं।
ट्रेविस हेड 11 मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 533 रन बना चुके हैं, तो वहीं अभिषेक शर्मा ने 12 में तूफानी बल्लेबाजी की है और 401 रन बनाए हैं। गेंदबाजों में 3 नटराजन 10 मैच में 15 विकेट के साथ 3 के टॉप विकेट टेकर रहे हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि हैदराबाद की टीम इस बार कुछ अलग रंग में है। अगर इसके बल्लेबाज आज चले तो फिर प्लेऑफ का टिकट पक्का हो जाएगा। तो वहीं गुजरात की टीम का इस सीजन प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। टीम में साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल के अलावा कोई भी बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में नहीं है। साई सुदर्शन ने अपनी टीम के लिए 12 मैच में 527 रन बनाए हैं, तो वहीं कप्तान शुभमन गिल ने 12 मैच में 426 रन बनाए हैं। गेंदबाजों में मोहित शर्मा टॉप पर हैं, उन्होंने 12 मैच में 13 विकेट लिए हैं। जिस तरह हैदराबाद की टीम फॉर्म में है, ऐसा लग रहा है इन्हें रोकना आसान होगा, वो भी जब तक वो अपने होम ग्राउंड खेल रहे हों, क्योंकि राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच बैटिंग फ्रेंडली है। यहाँ हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं। इस स्टेडियम में अभी तक 76 आईपीएल मैच खेले गए हैं, जिनमें से 34 मैच पहली बल्लेबाजी करने वाली टीम और 42 मैच चेज करने वाली टीमों ने जीते। यहाँ का हाईएस्ट टीम स्कोर 277। अब जरा सोचिए, एक तो बैटिंग फ्रेंडली पिच और दूसरी हैदराबाद की घातक बल्लेबाजी। आज सब कुछ ठीक रहा तो फिर हैदराबाद के लिए प्लेऑफ राहें आसान नहीं रहेंगी, और अगर गुजरात ने रास्ता रोक दिया तो फिर एसआरएच के लिए आगे की डगर मुश्किल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और आइए मैच के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो अमृत आनंद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अमृत, बड़ा मुकाबला है सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच में, ये मुकाबला है, कैसे इसे देखा जाए, क्या समझा जाए? क्योंकि गुजरात टाइटंस के पास खोने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन इज्जत का सवाल है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के लिए तो एक मौका है। देखिए पीयूष, कहते हैं ना कि जाते जाते कहीं गुजरात काम ना खराब कर जाए हैदराबाद का, और हैदराबाद की टीम की जो हम बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने पैकेज चलाया और उसमें ये जानकारी दी दर्शकों को कि इनकी पूरी जो लाइनअप है ना, वो बैटिंग लाइनअप पर डिपेंड है। हैदराबाद कहीं अगर बात खा रही है या उनके जो फ्रेंचाइजी हेड्स हैं, जो कोच हैं, वो ये सोचेंगे कि कहीं ना कहीं टीम में उनकी बॉलिंग थोड़ी सी और अच्छी होती तो शायद आज माहौल अलग होता, शायद ये हैदराबाद की टीम अभी ही क्वालिफाई कर चुकी होती, क्योंकि बैटिंग लाइनअप वाकई कमाल की है। इस बैटिंग लाइनअप के आगे अच्छी अच्छी टीम सोचती है कि कैसे गेंदबाजी डाला जाए, क्योंकि जब आप इस तरह के बल्लेबाज उनकी टीम में है, अगर हम अभिषेक की बात कर लें, ट्रैविस हेड की बात कर लें, इनके लिए कोई भी लाइन लेंथ टप्पा मैटर नहीं करता। इन्हें पता है कि इनका मकसद क्या है, पहली गेंद से चार्ज रहते हैं आखिरी गेंद तक, जब तक वो क्रीज पर रहते हैं उन्हें पता है कि उनका काम सिर्फ ये है चौके छक्कों की बरसात करना। और जब आप इस मोटिव से खेलते हो ना, तो कोई भी गेम प्लानिंग काम नहीं आती है। जहां तक बात रही गुजरात के लिए, देखिए पहला सीजन बहुत कमाल कर रहा उनके लिए, पहला सीजन खेले, जीता हार्दिक पांड्या कप्तानी में। इस बार पीयूष कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि थोड़ी सी मिसिंग है कप्तान का। देखिए बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, शुभमन गिल टॉप 10 में बल्लेबाजी में आ रहे हैं आईपीएल में, लेकिन कप्तानी में थोड़ी सी अनुभवहीनता जो हम कहते हैं ना, वो नजर आ रही है। ये एक टीम नहीं बन पा रही है, मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ, एक टीम की तरह नहीं खेल पा रहे हैं, जिसका कारण ये है कि वो आईपीएल के रेस से बाहर हो चुके हैं पूरी। लेकिन अच्छी बात यह है जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि हैदराबाद के पक्ष में माहौल इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि हैदराबाद में ही ये मैच हो रहा है और बैटिंग पिच है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ फायदा होगा। देखना होगा कि गुजरात टाइटंस क्या कुछ कर पाती है, कमाल, क्या अपनी इज्जत या साख बचा पाती है कि नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और जानकारी के लिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।